इस समय बॉलीवुड की सिचुएशन देख के आपको क्या लग रहा है कि यह आगे चल के साउथ इंडियन फिल्मों को बीट कर पाएगी? जिस तरह साउथ इंडियन फिल्में एक के बाद एक ऐसी मूवियां देते हुए चले आ रहे हैं जहां करण जौहर जैसे लोग यहां पे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो पुष्पा मूवी है वह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी बॉलीवुड फिल्मों से अच्छे खासी कलेक्शन करके दिखाई है। और इस सिचुएशन में जहाँ ओमिक्रॉन कोरोना वायरस पीक पे जाने वाले हैं, यहाँ पुष्पा ने एक अच्छी खासी कलेक्शन की है और हॉलीवुड की मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम ने भी अच्छी खासी कलेक्शन की। और 83 मूवी जो आपको देखने को मिली वो अपने बजट का 25% भी नहीं निकाल पाए। तो इन सबको आपको देख के क्या लग रहा है, क्या बॉलीवुड का फॉल डाउन हो रहा है? और अब आपको हम बताते हैं जो साउथ इंडियन मूवी है क्यों इतनी ज़्यादा राइज अप कर रही है। आप मास्टर देख सकते हैं, विजय दी मास्टर मूवी जब आई थी तो पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ था, पर थिएटर में आने के बाद में पूरी तरह से बूम मच गई थी। मतलब पूरी तरह से एकदम से पूरी तरह से थिएटर को ओपन कर दिया गया था उस समय जब यह मूवी रिलीज हुई थी। और अब जब थिएटर रिटर्न क्लोज हो रहे हैं फिर भी जो साउथ इंडियन मूवी जो आने वाली है, RRR मूवी जो आ रही है, SS राजामौली के डायरेक्शन में बनी है मूवी, ऑफकोर्स आप लोग जानते होंगे, वह 7 जनवरी को रिलीज हुई और उसकी रिलीज डेट में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि वो लोग जानते हैं हमारा कॉन्टेंट ऐसा है, लोग रिस्क लेकर थिएटर में जरूर आएंगे देखने। भले स्टेट ने भले ही इस समय सिनेमा घरों को बंद कर दिया, पर कुछ स्टेट में चालू वहाँ से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ऑफकोर्स बाहुबली जैसी कमाई तो नहीं हो सकती है, पर अपना अच्छा खासा बजट निकाल लेंगे। और अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज की, जो मूवी कैंसिल हो चुकी है और बहुत सी मूवियाँ जो बॉलीवुड में आने वाली थी कैंसिल हो चुकी हैं, क्योंकि यही वजह है कि साउथ इंडियन मूवी इस समय इस तहसीबे से बूम कर रही हैं कि वो आगे चल के बॉलीवुड को बीट कर सकती हैं। आपको क्या लगता है एक बार कमेंट सेक्शन में हमें अपना राय जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट अगेन।